मेरे रूम के बिल्कुल सामने किन्नर कैलाश का जो पर्वत है वो दिखता है यहाँ से वेरी क्लियर। एक बात तो है यार, ये वैली में बाइक चलाने का जो मजा है, इट्स समथिंग एल्स। दैट्स द व्यू, पूरा गांव यहाँ से दिखता है। Today is day 5 of my Spiti trip and currently I'm at Kalpa. Kalpa, kal shaam mein yahan pe pahunch gaya tha Chitkul se and check-in formalities wagaira complete karke by the time I hit the bed was somewhere around 9:30-10 o'clock. So time right now is 11:45 a.m. Aaj ka plan ye hai ki aaj pahunchna hai नाको। नाको इज़ अराउंड 2.5-3 hours राइड फ्रॉम हियर और होपफुली बाय 3:30 आई शुड बी एबल टू रीच। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, ब्रेक्स लेके भी। करंटली मैं एक्चुअली कल्पा के थोड़ा सा ऊपर हूँ एंड द व्यू फ्रॉम हियर इज एब्सोल्युटली ब्रेथटेकिंग। मेरे बिल्कुल सामने, मेरे रूम के बिल्कुल सामने किन्नर कैलाश का जो पर्वत है वो दिखता है यहाँ से वेरी क्लियर। यूजुअली बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत सारा क्लाउड होता है एंड इट्स ऑलवेज कवर्ड इन स्नो, बट आई थिंक मेरी एम लकी, पता नहीं, यहाँ से तो व्यू एकदम क्लियर आ रहा है। एंड ये बहुत ही सेक्रेट माना जाता है हिंदू कल्चर में, माउंट कैलाश है या किन्नर कैलाश है। यहाँ पर इनफैक्ट ट्रैकिंग भी होती है रिकॉन्ग प्यो से आई थिंक, बट बहुत ही ज़्यादा ऑल्टीट्यूड हाइट पे है। मैं इसका एक छोटा सा क्लिप यहाँ पे ऐड कर दूँगा। टाइम इज़ अराउंड 12:15 PM और अभी मैं निकल रहा हूँ कल्पा से। रिकॉन्गप्यो में पेट्रोल टॉप अप कर लेंगे जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड एंड दैट इज़ द होम स्टे गाइस वेयर आई वाज स्टेइंग एट। अमेजिंग व्यू, गुड फूड, अच्छी हॉस्पिटलिटी थी। अभी रिकॉन्गप्यो और कल्पा से नीचे उतर चुके हैं एंड आई एम ऑन माय वे टू नाको। ये वही रोड है जिससे डिविएशन लेके कल मैं गया था टुवर्ड्स रिकॉन्गप्यो एंड रिकॉन्गप्यो से ऊपर जो है वो है कल्पा, जहाँ पे मैं रुका था कल रात को। अभी वापस मेन रोड आ चुका है, मेन रोड से अभी जर्नी शुरू है। रोड का कंडीशन तो ठीक ठाक ही लग रहा है, बट कब तक और कहाँ तक, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। तो देखते हैं, अगर 100 किलोमीटर ये लोग बोल रहे हैं 2.5 से 3 घंटा, विच मीन्स ठीक ठाक ही है रोड। बीच में हो सकता है कुछ गंदे पैचेस भी आए, ऑब्वियसली, विच इज़ ऑब्वियस, फिर भी ठीक है। बारिंग दोज, अगर 60-70% भी रास्ता अगर ठीक है तो आई डोंट थिंक इट विल टेक मच टाइम टू कवर द डिस्टेंस। एक बात तो है यार, ये वैली में बाइक चलाने का जो मज़ा है, इट्स समथिंग एल्स। दोनों तरफ पहाड़ी है, बीच में रास्ता है। फिलहाल ये थोड़ा सा लद्दाख वाला फील दे रहा है मुझे, स्पेशली टुवर्ड्स तुरतुक। कुछ ऐसे ही स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप वैली के बीच में गाड़ी चलाते हो, फील्स ग्रेट यार। वहाँ पे भी यू नो देयर इज अ रिवर दैट फ्लोज बाय द रोड, यहाँ पे भी रिवर है। ऑलमोस्ट द सेम सेटिंग, थोड़ा सा स्ट्रेच होगा ये प्रॉब्ली, बट हाँ, एक बार लद्दाख की याद तो ज़रूर दिला देता ही है। ओ वाओ, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी।
Oh man, wasn't expecting this. जैसे मैंने कैमरा ऑन किया नेक्स्ट मोड पे ये वाओ लवली. दिस इज द ब्यूटी ऑफ माउंटेंस यू नो, कि कहीं पे भी कुछ भी सरप्राइज दे देती है माउंटेंस. मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कुछ ऐसे नज़ारा आएगा वहाँ पे. जैसे ही कैमरा ऑन किया जस्ट टू कैप्चर दिस वाइंडी रोड, अगले ही मोड पे वाटरफॉल. वाओ ब्यूटिफुल इट वॉज, सो ब्यूटिफुल. पत्थर को कार्व करके रोड बनाया गया है यहाँ पे, मतलब लिटरली रोड पत्थर के बीच में से जा रहा है एज एन सेंटर. नीचे भी पत्थर, सेम पत्थर बेडरॉक, और एक रूफ की तरह भी बना दिया उसने. वाओ इट्स नाइस. बस वीडियोस और रील्स में देखा था, आज एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहा हूँ. वाओ दिस होल स्ट्रेच इज लाइक दिस. वाओ ये लंबा ब्रिज है यार, और ऊंचा भी. दिस लैंडस्केप इज सो डिफरेंट, सो डिफरेंट. अब तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इस ट्रिप पे, ऑल ब्राउन माउंटेंस, सॉरी ऑल ग्रीन माउंटेंस, माउंटेंस विद अ लॉट ऑफ ग्रीनरी, बट ये दिस इज यहाँ से डिफरेंट टेरेन ही लग रहा है पूरा. हु इज अराउंड 10 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, एक 15 मिनट में शायद पहुँच जाएंगे. तू तू जाके रुतबा वैली, नहीं रुतबा वैली तो नहीं जाना है, तू जाके फ्यूल थोड़ा टॉप अप करवा लेंगे. आई थिंक हाफ से थोड़ा ज़्यादा है अभी फ्यूल, बट टू बी ऑन सेफ साइड एक बार टॉप अप करवा लेंगे. यहाँ पे तो तगड़ी हवा चल रही है, तगड़ी हवा की वजह से ना बहुत स्पीड भी जा नहीं सकते, आप स्पीड जा नहीं सकते हवा की वजह से, डिसबैलेंस कर देती है पूरी बाइक को. चलो एक काम तो हो गया, बाइक फ्यूल्ड अप, टॉप अप कर लिया मैंने 400 का फ्यूल, और भी जाते हैं थोड़ी सी पेट पूजा करते हैं. आई थिंक इट्स अराउंड नाको फ्रॉम हियर इज अराउंड 30-35 किलोमीटर्स, तो एटलीस्ट 4:30 तक भी पहुँच जाओ इंक्लूडिंग द लंच ब्रेक. फिर भी ठीक है, नॉट बैड, थोड़ा वो टाइम तो मिल ही जाएगा. कैंटीन तो है यहाँ पे, कुछ खा लेते हैं. नाको इज अराउंड 30-35 किलोमीटर्स, तो क्विकली खाना खाते हैं तो निकलते हैं यहाँ से नॉन स्टॉप नाको के लिए. खाना लेकिन अच्छा लग रहा है, दो रोटी एंड थोड़ी सी राइस, दही, पनीर, मिक्स वेज, दाल मखनी, लुक्स गुड. लंच एट दिस कैफे, कैफे लुंगटा थाली, विच इज प्राइस 250. कैफे लुंगटा में थाली अच्छी मिलती है, अगर आप यहाँ पे रुक रहे हो तो इट्स अ मस्ट ट्राई. 250 रुपीज़ की थाली है. ऑनेस्टली मैं इस पर कुछ बहस नहीं करना चाहता कि 250 रुपीज़ इसके लिए ज़्यादा है या नहीं है. पहाड़ों पे, स्पेशली ऐसी जगह पे खाना मिल रहा है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट खाना ठीक ठाक भी था. बटर रोटी
एंड दाल मखनी, पनीर की सब्ज़ी, मिक्स वेज एंड रायता, राइस, कंप्लीट मील आई वुड से। तो चेक आउट द लोकेशन ऑफ दैट कैफे, इट्स ब्यूटीफुल, मस्त लोकेशन पे है। खाना खाने का मज़ा जो है वो डबल हो जाता है वहाँ से। इट वॉज़ नाइस ब्रेक फॉर मी एज वेल। अभी 35 किलोमीटर्स मोर टू कवर। देयर्स अ चेक पोस्ट हियर, 4 किलोमीटर पहले, खा वैली से 4 किलोमीटर पहले, जहाँ पे गाड़ी का नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका नाम, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, ये सारी डिटेल्स दर्ज करवानी पड़ती है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। और इसके बाद, इसके 4 किलोमीटर बाद हम लोग एंटर कर जाएंगे खा वैली, सही से नाम है यहाँ पे, तू विलेज, ख्वाब वैली, पता नहीं किसका है लेकिन ख्वाब है। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। लेट योर इंश्योरेंस एक्सपायर बिफोर यू ड्राइव स्लो, है ओके। Just want to show you guys something. Terrain देख लो एक बार, completely change हो चुका है। अब तक सारे mountains, जो mountains या mountain passes जितना भी हमने देखा है, सिर्फ mountains with trees और lot of greenery था, but लगता है अभी आगे चल के सब brown mountains से मिलेंगे। Terrain completely change हो चुका है। Border Road Organization ये सारे रोड्स का जो है टेक केयर करता है। एंड चेक आउट द वर्क मैन, चेक आउट द क्वालिटी ऑफ वर्क। पहाड़ों में इतना अच्छा काम ही लोग करते हैं, तो आई डोंट नो सिटीज़ में क्या हो जाता लोगों को। दे शुड लर्न समथिंग फ्रॉम बीआरओ। बस ना को यहाँ से एक 11 किलोमीटर रह गया है। Like I mentioned, loop start हो गए। This probably is the last loop. First glimpses of the village Nako. वो रहा, that one. That is Nako. वहाँ जाना है मैं। हाँ, Nako village. एक और चैलेंज है जो कि है होम स्टे ढूंढना। होम स्टे है क्या इधर? होम स्टे रूम्स है क्या? रूम्स हाँ, कहाँ पे? लेक साइड हेवन। कितना रूम थी? एक मिल जाएगा, चलो रूम देखने चलो। ओके, सो टाइम राइट नाउ इज़ 4:40 PM। मैं नाको पहुंच गया था अराउंड 4:30, करीब 10 मिनट लगे रूम ढूंढने के लिए। और ये मेरे रूम का लोकेशन है, नाको लेक के बिल्कुल सामने। क्या नाम है होटल का? लेक साइड हेवन। होटल लेक साइड हेवन। यहाँ से लेक का कंप्लीट नज़ारा मिल रहा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ रूम्स। और ये है, रूम्स आर प्रीटी बेसिक, ज़्यादा आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट प्रीटी फंक्शनल। आपको जो भी चाहिए फैसिलिटीज, गर्म पानी हो, वाईफाई है क्या? वाईफाई नहीं है, गुड, वाईफाई नहीं है जैसे कि आपने सुना। सो दिस इज द रूम। लगेज सब बिखरा पड़ा है। And this is the washroom. लगता है लाइट नहीं है। लाइक आई सेड, इट्स प्रीटी बेसिक, ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं है।
ज़रूरत की सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है बस. एंड द बेस्ट पार्ट इज आई गॉट दिस रूम ओनली फॉर 1200 रुपीज पर डे. सो नॉट बैड. अभी फ्रेश होते हैं एंड देन निकलते हैं ऊपर व्यू पॉइंट की ओर एंड देखते हैं. आई स्टिल हैव लाइक 3 more hours टू गो. लाइट तब तक तो रहेगा आराम से. 7:30 बजे तक तो दिन रहता ही है. इट्स जस्ट 4:40 राइट नाउ. सो अभी पहुँचा हूँ तो चाय पी के थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाऊँगा देन आई लीव. हे गाइस, सो नाको पहुँच तो गया था अराउंड 4:30ish. थोड़ा सा रेस्ट किया बिकॉज आई वॉन्टेड द सन टू गो डाउन अ लिटल ताकि यू नो ऊपर से व्यू अच्छा मिले. जहाँ पर मैं रुका हूँ वहाँ से हार्डली 10 मिनट का ट्रैक है एंड आई कैन सी दैट द व्यू इज अमेजिंग ऑलरेडी. तो वी आर नॉट इवन हाफ वे थ्रू और आधा चलना बाकी है. थोड़ा सा स्टीप है बट इट्स फाइन. कुछ भी यार, मतलब व्यू के लिए बनता है इतना करना. तो चलते हैं ऊपर. चलिए. विलेज का जो पानी स्टोर होता है हाँ वो यहाँ पर ही होता है सर. यहाँ से पूरा नाको पानी यहाँ से पूरा पानी पूरा सप्लाई होता है गाँव में. और पानी आता कहाँ से? ये बर्फ का आता है, जैसे नाला होता है हाँ उसमें पाइपलाइन खींच होती है फिर उसको जोड़ा जाता है. तो एक तरह से बोल सकते हैं इसको ये टैंक है, स्टोरेज टैंक है. यहीं से सप्लाई होता है पूरा. सरकार का होता है. अगर इसमें ज्यादा भर गया तो बाकी सर इसको बंद कर लेते हैं वैसे ऊपर से ना. अच्छा होता है वहाँ से बंद हो जाता है. अच्छा 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 अच्छा. ओ नाइस यार, ये पता नहीं था. चलो फिर चले ऊपर. ओके सर. क्या व्यू है यार यहाँ से. पूरे नाको विलेज का जो व्यू है इट्स अमेजिंग. इसी व्यू के लिए तो मैं आया था भाई. इट्स अनबिलीवेबल. नीचे से जब आप देखते हो यू नो मेन रोड से लगता नहीं कि कहाँ ऊपर से इतना ब्यूटीफुल दिखता होगा. जहाँ पे मैं रुका हूँ वहाँ से हार्डली 10 मिनट्स का हाइक है. व्यू यहाँ से इट्स अनबिलीवेबल. दैट्स द व्यू. पूरा गांव यहाँ से दिखता है. राइट नाउ इज 7 PM और व्यू पॉइंट से जस्ट अभी नीचे आए हम लोग लेक देखने के लिए. नाको लेक देखने के लिए बुद्धिस्ट रिलीजन में इस लेक का बहुत ही महत्व है. आप यहाँ पे आ रहे हो तो हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इसको उसी क्रिस्टीन वे में मेंटेन करना. इसको इसमें कुछ गंदगी हो या फिर प्लास्टिक रैपर्स या जो भी है उसको उन चीज़ों को इसमें बिल्कुल मत फेंकना. लेट्स मेंटेन इट क्लीन. जस्ट एंजॉय द व्यू एंड देन लीव इट लीव फ्रॉम हियर. अभी इसमें फिलहाल बोटिंग भी हो रही है. पैडल बोट्स है यहाँ पे है. ये जो लेक है ये जम जाता है कम्प्लीटली फ्रॉम दिसंबर टू फिर मार्च तक. कम्प्लीटली ये जम जाता है. इसके ऊपर यू नो आइस हॉकी वगैरह भी होता है यहाँ पे. तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. बहुत ही सही फील है यहाँ पे. स्पेशली सनसेट के टाइम पे अगर आप आ रहे हो, मेरे बिल्कुल सामने सनसेट हो रहा है एंड देन जो लाइट इसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है फिलहाल सच डिफरेंट. उसका जो रिफ्लेक्शन पानी में आ रहा है एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. Now I'm going towards the monastery. पता नहीं monastery खुला होगा या नहीं. वैसे तो बोला जाता है कि 6 बजे बंद हो जाता है monastery. But जाके एक चांस ले लेते हैं. देखते हैं क्या पता अगर खुला हो तो nothing like it. Let's see. ये दोनों मॉनेस्ट्रीज हैं बट फिलहाल दोनों बंद हैं. बट चेक आउट द व्यू फ्रॉम बिहाइंड. देखो गाइस राइट
टाइम राइट नाउ इज 7:40 PM. डन एक्सप्लोरिंग नाको. व्यू पॉइंट देख लिया, नाको लेक देख लिया. अनफॉर्चुनेटली मोनेस्ट्री देख नहीं पाया बिकॉज अब तक अभी क्लोज हो चुका है, तो मोनेस्ट्री रह गया. देखते हैं इफ पॉसिबल आई ट्राई टू कवर इट टुमारो, अदरवाइज मे बी नेक्स्ट टाइम. डेफिनेटली टुमारो इज़ गोना बी अ बिग डे बिकॉज कल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना है यहाँ से टू काजा. द डिस्टेंस इज़ अराउंड 115 or 120 किलोमीटर्स. तो अच्छा खासा टाइम लेने वाला है, तो देखते हैं कल जाके देखते हैं कि क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं जो भी टाइम बचता है. सर लेट्स कॉल इट डे टू डे एंड कल फिर स्टार्ट करते हैं फ्रेश डे. ये क्या है? किसी और प्लानेट पे तो नहीं पहुंच गए? खूबसूरती खूबसूरती जहाँ देखो खूबसूरती. वाह व्हाट अ ब्यूटी मैन, व्हाट अ ब्यूटी. एक साइड में नदी बह रही है एंड ऊपर से राइट हैंड साइड पे ये स्ट्रक्चर्स. ओह शिट पत्थर गिर रहे हैं यार. शिट शूटिंग स्टोन्स एरिया, ऊपर से अब भी पत्थर गिर रहा. गाड़ी पे लगा भी.